स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक का नाम तो बहुत कोई जानते हैं, जो भी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ लोग तो बिना डॉक्टर के सलाह के भी कुछ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पर एंटीबायोटिक्स लेने से पहले डॉक्टर का जो है एडवाइस जरूर लेना चाहिए, खुद से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर तरह के अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब जो है ना, फंगी भी है और कुछ पैरासाइट है, ये सब जो है हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है ना, पहले अचानक से इसकी खोज हो गई थी, मतलब एट रैंडम हुआ कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो वो अपने लैब में काम कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे बैक्टीरिया वगैरह पे, तो उन्होंने एक पेट्री प्लेट में पाया था कि जहाँ पे फंगल कॉलोनी था उसके बगल का जो बैक्टीरिया कॉलोनी था वो वाइप आउट हो गया था, मतलब उसके नंबर एकदम डिक्रीज हो गए थे। तो ये सडन डिस्कवरी होता है ना, वो हो गया था, तो ये सडन डिस्कवरी हुआ एंटीबायोटिक। फिर उन्होंने इस पर मतलब सोचा, एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तब जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि जो पेनिसिलिन है वो निकला है एक फंगस से, ठीक है, जिसका फंगल कॉलोनी था, उसके बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे निकला है, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो फिर से शुरू हुआ ये जर्नी एंटीबायोटिक। तो हम जान गए कि एंटीबायोटिक का सबसे पहले खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद बहुत तरह के एंटीबायोटिक बनाए गए। पहला तो एंटीबायोटिक जो बना था वो फंगस से निकला था, तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है जिसके मतलब जिसके जिससे निकला यह पेनिसिलिन, उसका ही प्रोडक्ट है, तो पेनिसिलिन से शुरू हुआ है। और उसके बाद तो बहुत सारे एंटीबायोटिक बने हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, कुछ जो है फंगी से निकाले जाते हैं, और कुछ ड्रग के कॉम्बिनेशन से भी, जैसे सल्फा ड्रग्स वगैरह नाम सुनते होंगे, उससे बनाए गए हैं। तो एंटीबायोटिक का रोल अलग अलग है। कुछ एंटीबायोटिक क्या करता है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट करता है काम, कुछ करता है आपके फंगस के अगेंस्ट काम करता है। उसके बाद हमारे बॉडी के जो डिजीज हो गए हैं, बॉडी में डिजीज हो गए हैं और जिस कारण से हुए हैं उस पे वो एक्ट करता है। तो कुछ एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया पे एक्ट किया तो बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होता है उसको उसने हैम्पर, मतलब उसका ग्रोथ को रोक देता है या सेल वॉल को डैमेज कर देता है, जिससे कि आगे बैक्टीरिया अपना ग्रोथ नहीं कर सके, और इस तरह बैक्टीरिया पे वो एक्ट करता है। तो कुछ जो है जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है, तो वो न्यूक्लिक एसिड जब सिंथेसाइज नहीं होगा तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं होगा और वो वहीं पे रुक जाएगा। तो अगर सिंथेसिस को रोक दिया, बैक्टीरियल का न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोक दिया, तो वहाँ हो गया। फिर कुछ क्या करता है कि हमारे बॉडी में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन होता है, बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है, जैसे डीएनए से आरएनए बना तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर, तो वो न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कुछ रोक देगा, कुछ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देगा, तो इस तरह क्या करता है, फर्दर जो है वो बैक्टीरिया या और वायरस है उसका ग्रोथ जो होता है अंदर में नहीं हो पाता है, तो वो चेक हो जाता है, और इस तरह बॉडी जो इंसान का है वो प्रोटेक्ट रहता है। और बहुत सारे ड्रग्स भी हैं, जैसे सल्फा ड्रग, वो भी एंटीबायोटिक का काम करते हैं, तो वो बनाए गए हैं फर्दर। लेकिन पहला जो हुआ ना डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, वो क्या हो गया, एक माइलस्टोन है। तो इस तरह एंटीबायोटिक का कुछ कुछ रोल है, जो कि आगे लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, कुछ है दिक्कत है यहाँ पे, तो ठीक है, आप जानिए कि एंटीबायोटिक क्या होता है। ये अगेंस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकलते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जैसे बेसिट्रासिन एक एंटीबायोटिक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया से निकलता है।
और भी है, तो वो फर्दर लेक्चर में मैं बताऊंगी।